हाय एवरीबॉडी, डेटा सेंटर क्या है ये तो आप सब जानते ही होंगे। तो इस वीडियो में आज हम डेटा सेंटर बिजनेस इन इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं, और हम ऐसी दो कंपनीज के बारे में बात करेंगे जो ये डेटा सेंटर बिजनेस प्लान लेकर आई है। आपको डेटा सेंटर क्या होता है इसका एक ब्रीफ दे देती हूँ। डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिकली जो भी सारा एक कंपनी का डेटा होता है वो स्टोर होता है, यानी कि जो कुछ आप ऑनलाइन करते हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन, एक कंपनी वो सारा डेटा एक जगह में स्टोर करके रखती है, जिसको कहा जाता है डेटा सेंटर। अब हम समझते हैं कि डेटा सेंटर बिजनेस क्या होता है। डेटा सेंटर बिजनेस इन इंडिया मतलब आपने किसी डेटा सेंटर के एक सर्वर को या उसके कुछ ब्लॉक्स को परचेस किया एज एन इन्वेस्टमेंट, और इस इन्वेस्टमेंट से आपको ROI आता है इन द फॉर्म ऑफ रेंट। तो ये हो गया आपका डेटा सेंटर बिजनेस। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी दो कंपनीज हैं जो आपको ये डेटा सेंटर बिजनेस प्लान देती हैं। एक है व्यूनाओ ग्रुप या व्यूनाओ कंपनी, जो आपको क्लाउड पार्टिकल्स प्रोवाइड करती है, और दूसरा है अबाकस डेटा सेंटर, जो कि आपको डेटा सेंटर रेंटल बिजनेस प्रोवाइड करता है। दोनों कंपनीज का मोटिव और डेटा सेंटर बिजनेस सिमिलर है, बट आपको डेटा सेंटर से रेंटल इनकम इन दोनों से अलग अलग आएगी। आइए समझते हैं कि व्यूनाओ प्लान और अबाकस मॉडल में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम व्यूनाओ कंपनी के बारे में बात करेंगे। व्यूनाओ मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एक इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, और ये क्लाउड पार्टिकल्स का बिजनेस करते हैं। ये एक ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर है, और क्लाउड ही इनका प्रोडक्ट है। तो हम अब समझ लेते हैं कि ये क्लाउड क्या होता है। सिंपल एग्जांपल से बता देती हूँ। आप सैमसंग यूज करते होंगे या वीवो यूज करते होंगे, तो आपको उसमें क्लाउड स्टोरेज मिलती है, और आपके फोन का जो सारा डेटा स्टोर होता है वो क्लाउड में होता है। IT की फील्ड में जितना भी डिजिटल डेटा होता है उसका बैकअप रखा जाता है। जहाँ पर इसका बैकअप रखा जाता है उसे मेंटेन और एक्सेस किया जाता है, टेक्निकल लैंग्वेज में उसे क्लाउड कहते हैं, या फिर उसे आप डेटा सेंटर या ऑनलाइन स्टोरेज भी कह सकते हैं। और इसलिए व्यूनाओ प्लान और अबाकस डेटा सेंटर बिजनेस आए हैं, क्योंकि जब तक आप इंटरनेट यूज कर रहे हो आप डेटा क्रिएट कर रहे हो, और इन्हें कहीं ना कहीं सेव करना होता है। व्यूनाओ बिजनेस प्लान जो है वो कौन सा तरीका यूज करता है सेल्स का, वो समझ लेते हैं। यहाँ पर सेल एंड लीज बैक का मॉडल यूज होता है, यानी कि जब एक सेलर कंपनी अपने प्रोडक्ट्स आपको सेल करती है तो वो सेम टाइम में लीज बैक या रेंट आउट करने की गारंटी भी देती है। व्यूनाओ ग्रुप में आपको कोई चीज सेल नहीं करनी, बट आप डेटा सेंटर के ओनर होंगे। अब एक बात बता दूं जो शायद कुछ ही लोगों को पता है, इंडिया में अब सबको लोकलाइजेशन चाहिए, और इसलिए डेटा प्रोडक्शन का बिल इंडिया में पास हो चुका है। अब जितनी भी इंटरनेशनल सर्विसेज हैं, आप कुछ भी यूज तो कर सकते हो, लेकिन आपका डेटा जो रहेगा वो इंडिया की बाउंड्रीज में ही होना चाहिए। तो ऐसे में जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, उनके पास दो ऑप्शंस बचते हैं, या तो वो अपना डेटा सेंटर इंडिया में खोल लें, या फिर वो लीज पर ले लें। इस व्यूनाओ प्लान की एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं, जो भी एसेट्स होते हैं वो कंपनी पहले ओन करती है, फिर आपको एसेट सेल करती है, और फिर कंपनी आपसे वो एसेट्स लीज बैक पर ले लेती है, ताकि वो उसे मेंटेन और रन कर सके। ये व्यूनाओ बिजनेस प्लान एक डेट फ्री कंपनी है। एक क्रैक में 1800 सर्वर्स होते हैं, और हजारों में लगे हुए होते हैं एक लोकेशन में। एक सर्वर में इसकी 120 TB की कैपेसिटी होती है। 1 TB 1024 GB का होता है, और इसमें S3 कैटेगरी की स्टोरेज होती है। इनके डेटा सेंटर में आपको 1-2-360 पार्टिकल्स मिल सकते हैं, जो आप परचेज कर सकते हैं। अब आप या तो कंप्लीट सर्वर परचेज कर सकते हैं, या फिर कुछ पार्टिकल्स, जैसे भी आपका बजट हो। ये आपको लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी देते हैं, और ओनरशिप डॉक्यूमेंट साइन होते हैं। व्यूनाओ प्लान तो काफी अच्छा मॉडल है, लेकिन इससे भी अच्छा एक और मॉडल है, जिसका नाम है अबाकस डेटा सेंटर। VP ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ये प्रोडक्ट है। ये अबाकस मॉडल आपको रियल डेटा और रियल क्लाउड प्रोवाइड करता है। अबाकस डेटा सेंटर जो है वो ASI के साथ भी टाई अप में है। डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर में आप इन्वेस्ट करते हैं तो ROI या अर्निंग के लिए लोगों की एक्सपेक्टेशंस बनती है, और पूरी भी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक लीगल डेटा सेंटर मॉडल है, जो गवर्नमेंट सपोर्टेड कॉन्सेप्ट है। अबाकस डेटा सेंटर रेंटल बिजनेस लेकर आया है, जिससे आपको काफी बेनिफिट्स मिलेंगे। इस अबाकस डेटा सेंटर बिजनेस में आप सब्सक्रिप्शन के थ्रू रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। इन फ्यूचर इसकी बहुत ग्रोथ होने वाली है। आप इनकी फ्रेंचाइजी ले सकते हो, और इन्वेस्ट करके बेनिफिट्स ले सकते हो। यहाँ पर भी आपको कुछ सर्वर्स परचेज करने होंगे। अबाकस डेटा सेंटर बिजनेस में जो सबसे बड़ा सर्वर है वो 192 ब्लॉक्स का होता है। ये अबाकस मॉडल जो है, इसमें आप चाहें दो ब्लॉक्स भी परचेज कर सकते हैं, या फिर पूरा एक सर्वर भी परचेज कर सकते हैं। इनके पास काफी सारे बिजनेस प्लान्स हैं, जो आप समझकर उनको परचेज कर उनसे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। इनसे आपको 10 इयर्स तक रेंटल इनकम आती रहेगी, ताकि जितना आपने इन्वेस्ट किया है वो तो आपके पास आ ही जाए,
और ऊपर से आपको प्रॉफिट भी मिलता रहे। ये प्लान बेटर इसलिए है क्योंकि Abacus मॉडल और VP ब्रॉडबैंड कंपनी दोनों ही गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। क्योंकि ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है तो जाहिर सी बात है ये जेन्युइन प्लान है और इसमें आपको कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने का मौका मिलता है। आप चाहे तो इन दोनों मॉडल्स के बारे में और डिटेल्स में समझ सकते हैं और चूज कर सकते हैं कि कौन सा डेटा सेंटर रेंटल बिजनेस ज्यादा अच्छा और बेनिफिशियल है। दोनों बिजनेस प्लान्स पर हमने वीडियो अपलोड करी हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दैट इज ऑल वी हैव फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे जल्दी एक न्यू टॉपिक के साथ। ऐसी और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टेक केयर। बाय बाय।